हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं एक बार फिर आपका ईमैक्स एजुकेशन परिवार के अंदर स्वागत करता हूं। ईमैक्स को नंबर वन बनाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज की डेट में पूरे इंडिया के अंदर 1800 प्लस स्टडी सेंटर हो चुके हैं और हम आपकी फीडबैक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फीडबैक को ही हमने अब की बार अपडेट किया है और SCR का हमने उसको नाम दिया है, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट फॉर्म, जिसको अभी तक आप मेल आईडी से भेज रहे थे, अभी आप अपने उससे ही ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी आईडी से ही ऑपरेट कर सकते हैं। और हमने कुछ नए कोर्सेज भी अपडेट किए हैं, जैसे कि NTT, योगा और PTT, इस टाइप के हमने कुछ कोर्सेज भी अपडेट किए हैं। और मैं आपसे भी आशा करता हूँ इन फ्यूचर्स भी अगर आपके पास में कोई ईमेक्स के लिए फीडबैक है तो हमें ज़रूर फीडबैक दें, क्योंकि हम आपकी फीडबैक के ऊपर ही काम करके अपडेट कर रहे हैं और हम अपनी सर्विस को बेहतर बनाने की 24 आवर्स कोशिश करते रहते हैं। तो एक छोटी सी बात मैं आपको जो ध्यान देना चाहता हूँ दिलवाना चाहता हूँ कि ईमैक्स इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है emaxindia.in है। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट्स को अगर आप देखते हैं तो वो वेबसाइट्स फेक पाई जाएगी और इनके खिलाफ़ ईमैक्स ने कार्रवाई भी की है। और इन फ्यूचर्स कोई नई वेबसाइट्स अगर ईमैक्स से रिलेटेड कोई फेक वेबसाइट आती है तो उसके लिए भी ईमैक्स कार्रवाई करेगा, तो उन वेबसाइट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। तो आइए हम बात करते हैं इस वीडियोज़ के ऊपर। तो इस वीडियोज़ में जो हमने आज बताया है आपको SCR प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना IDs ओपन करना है। ID ओपन करने के बाद में आपको SCR पे क्लिक करना है और एक नया फीचर हमने अपडेट किया है। जैसे आप कई बार वर्क करते रहते थे तो वर्क करने के बाद में आप ज़्यादा नीचे जाते थे तो आपको क्लिक करेंगे तो आप टॉप पे चले जाएंगे यहाँ पे, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो SCR प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आपने कितने सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट फॉर्म भेजे हैं हेड ऑफिस के अंदर, क्या कुछ स्टेटस है। तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर हम ही बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको अभी एक सर्टिफिकेट इशू कराना है तो आप ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो कुछ टाइम वेट करेगा, क्योंकि वो सभी के सभी स्टूडेंट्स को लोड करेगा जितने भी आपके पैनल के अंदर हैं। यहाँ पे जिन स्टूडेंट का सर्टिफिकेट अभी इशू नहीं हुआ है उन सभी की डिटेल आप यहां पे देख पाएंगे। जिन जिन स्टूडेंट का सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, अब आपको इनमें से किस स्टूडेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, आप सिर्फ वहां पे एक बार क्लिक करोगे तो उस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग उसकी डिटेल यहां पे आ जाएगी। तो मैं लेता हूं कि मेरे को इन 3 स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट चाहिए। अब जैसे ही मैंने इन 3 स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ डिटेल दिखा रहा है। अब मान लेते हैं जो फर्स्ट स्टूडेंट्स आपका है, इसका आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, तो आपने चेंज सब्जेक्ट पे क्लिक किया। जो भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डलवाना है, जो भी मीन्स आप चाहते हैं कि उसका आपने जो भी कंटेंट जो उसी कोर्स के अंदर करवाया है तो वो पूरा का पूरा कंटेंट आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो आपके स्टूडेंट के सर्टिफिकेट के ऊपर आ जाए और आपका और हमारा दोनों का टाइम सेव वो करेक्शंस के अंदर। तो इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि अगर आपको कुछ अलग से कंटेंट है तो आप यहाँ पे डालें, अगर अलग कंटेंट नहीं है तो आप यहाँ पे मत डालें। अगर मीन्स वेबसाइट से सेम कंटेंट आपका है जो आप करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे डेमो के लिए डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है चेंज इन्फॉर्मेशंस का। अभी इन्फॉर्मेशंस का मतलब क्या है कि जो आपने स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पे ऐड की है कि क्या उस डिटेल के अंदर कुछ करेक्शन की ज़रूरत है आपको। तो अगर कोरेक्शंस की जरूरत है, जैसे कि मान लेते हैं सेशन यहाँ पे गलत डाला हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि हम सेशन यहाँ पे चेंज कर रहे हैं 2019, जो भी आप करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फादर नेम में हमने डाल दिया, जो भी कोरेक्शन की नीड थी हमारे को, मीन्स जिस जिस फील्ड के अंदर नीड है वो आप यहाँ पे करेक्शंस डाल दोगे तो वो करेक्शंस रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। वेरिफिकेशंस के बाद हम उस करेक्शंस को अपडेट करेंगे। उसके बाद एड्रेस के ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो एड्रेस में क्या है कि जो भी एड्रेस यहाँ पे है तो हम वहाँ पे कम्प्लीटली एड्रेस अपडेट कर देंगे। फ़ोन नंबर अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो फ़ोन नंबर अपडेट करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि एग्ज़ाम का मोड क्या रखा है आपने, इसका ऑनलाइन लिया या ऑफलाइन आपने एग्ज़ाम लिया इसका। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने इसका लिया है मान लेते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम। ऑफलाइन एग्ज़ाम में इसके कितने मार्क्स आए हैं तो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे कि मान लेते हैं इसके ऑफलाइन एग्ज़ाम में 70% मार्क्स आए हैं। वो इसका कुछ भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जितना भी उसके परसेंटेज आई होगी, मतलब 78% आए हैं और एक ग्रेड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन डाली हमने, ये एक स्टूडेंट्स के लिए ऐड की है। अब सेकंड स्टूडेंट्स के लिए मान लेते हैं कि सब कुछ ओके है, सिर्फ हमने इसका एग्ज़ाम ऐड करना है। ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया इसका और मान लेते हैं इसका 80% नंबर आए हैं और इसका ए ग्रेड आया है। और मान लेते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टूडेंट्स, तो थर्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, इसका भी हमने ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया है और उसका 76% आए हैं और इसका भी हमारे पास में ए ग्रेड आया है। और उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास में एक SCR नंबर देगा आपको, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट फॉर्म नंबर यहाँ पे
जारी हो जाएगा आपके पास में, जिसको आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आपके वो आईडी के अंदर सेव भी रहेगा। नोट इसलिए कर सकते हैं ताकि आपको उसकी रिक्वेस्ट पता लगती रहे कि आपने तुरंत में अभी कौन सा रिक्वेस्ट हमारे पास में यहाँ पे किया है। देन उसके बाद ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है वो ये रिक्वेस्ट भेजा है आपने, ये आपका सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट नंबर है, ये किस डेट को आपने रिक्वेस्ट भेजा है, कितने स्टूडेंट का रिक्वेस्ट गया है, कि क्या आपने सब्जेक्ट चेंज किए हैं, क्या आप इन्फॉर्मेशन चेंज की है, कोई नोटिफिकेशन स्टेटस अभी ये पेंडिंग पड़ा है। तो जैसे ही हेड ऑफिस की तरफ से ये ओके हो जाता है तो आपको क्या स्टेटस दिखाई देगा तो उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी ये रेड हो चुका है, ये होल्ड हो चुका है, किस रीज़न से होल्ड हुआ है यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे हमारे को नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि वो डिसअप्रूव हो चुका है, होल्ड हो चुका है, और यहाँ पे हमारे को वो यहाँ पे हमें वो एक कॉमन मैसेज होकर ड्यू टू पेंडिंग अमाउंट का, और इतने बज के इतने मिनट पे ये होल्ड हुआ है। तो हम क्या करेंगे अभी, हम इसके पेमेंट सबमिट करेंगे, मीन सेंटर को क्या करना है, इसके पेमेंट सबमिट करने, क्योंकि बिना पेमेंट के सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। वो पेमेंट सबमिट करने के बाद में इसके एडिट पे जाना है, एडिट पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे एक मैसेज डालेंगे, कमेंट डालेंगे कि हमने इसके पेमेंट सबमिट कर दिया, पेमेंट सबमिट, पेमेंट सबमिट करने के बाद यहाँ पे रीसबमिट कर देंगे इसको। तो जैसे हम रीसबमिट करेंगे तो वो दोबारा से हमारे पास में रिक्वेस्ट आ जाएगा। रिक्वेस्ट आने के बाद में इसके पास क्या प्रोसेस होगा उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे इस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट फॉर्म को अप्रूवल मिल चुकी है। अप्रूवल मिलने के बाद में एक नोटिफिकेशन भी आपको ये यहाँ पे शो कर रहा है और ये अप्रूवल दिखा रखा है, अप्रूव हो चुका है। तो अप्रूव होने के बाद में ये वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में हमारे पास में अप्रूव हो चुका है और ये प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में जा चुका है। तो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट इसको अब प्रिंट करने के बाद में क्या एक्शन लेगा उसको हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो अभी आपने देखा ये हमारे पास में ब्लू कलर में आ चुका है। ब्लू कलर में आने के बाद में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हमारे को शो कर रहा है। नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ये जनरेट हो चुके हैं सर्टिफिकेट, प्लीज़ चेक योर सर्टिफिकेट। तो मींस ये इतने बजे इतने मिनट पे सर्टिफिकेट जनरेट हुए हैं, मींस आप देख सकते हैं पूरी स्टेटस यहाँ पे कब कब आपके किस वर्क के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, पूरी रिपोर्ट आपको शो करेगा ताकि आपका भी टाइम से वो, हमारा भी टाइम से वो, और सब कुछ पारदर्शी रहे। अब उसके बाद में जनरेट होने के बाद ये सर्टिफिकेट डिस्पैच कराएगा, डिस्पैच कराने के बाद क्या ऑप्शंस यहाँ पे शो करेगा वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद में हेड ऑफिस से डिस्पैच हो चुके हैं प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास में उन्होंने ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ है, ये डेमो के लिए मैंने यहाँ पे डाला है, और ट्रैक दिस लिंक, यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस नंबर को डाल के आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं कि ये कहाँ पे पहुँच चुका है। अगर आपको ये वहाँ पे मिल चुका है तो आपको क्या करना है उसके बाद में एडिट पे क्लिक करना है इसके अंदर, और एडिट पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन डालना है, सॉरी उसके बाद आपको क्लिक करना है चेंज स्टेटस के ऊपर। जैसे आप चेंज स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी स्टेटस दिखा रखा है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या क्या स्टेटस रहा आपका, कब कब क्या क्या ऑप्शंस हुआ उस रिक्वेस्ट के ऊपर, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट नंबर क्या था, और यहाँ पे आप उसको करेंगे कि रिसीव्ड हुआ है, वो आपको रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि रिसीव्ड, थैंक्स, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। और अगर आपको कुछ सर्टिफिकेट जैसे पेंडिंग रहा, कोई सर्टिफिकेट 5 भेजे थे, 2 रिक्वेस्ट, 2 आपको मिले, 3 मिले, तो आप यहाँ पे लिख के भी हमारे को कमेंट करते हैं ताकि हम उसके ऊपर दोबारा से एक्शन ले सकें। तो ये हमारा कम्प्लीटली जो हमने अपडेट किया है सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर, पूरा का पूरा मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से बताया है। और इसके अलावा अगर आप कुछ और अपडेट चाहते हैं आपके पैनल के अंदर, कि मेरे पैनल के अंदर अगर ये अपडेट हो जाए तो मेरे लिए और सभी सेंटर्स के लिए बेनिफिट रहेगा, तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट emacsindia.in पे विज़िट करें, और वहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म आता है, और आप उस फीडबैक फॉर्म को फिल करें। तो जो भी आप फीडबैक देंगे मैं एज सून एज पॉसिबल उस फीडबैक को मैनेजमेंट में डिस्कशन करने के बाद में अपडेट करने की आपके पैनल में जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और नई वीडियोस जो मैं आपको लिए लेके आऊंगा, नया जो हमारे पास में अपडेट आ रहा है जिसके ऊपर बैकएंड में काम लगा हुआ है, सभी स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियोस रहेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जीके कंपटीशन के नाम से, उसके अंदर हेड ऑफिस डेली वाइज क्वेश्चंस अपडेट करेगा यहाँ पे जीके कंपटीशंस के, जिसमें स्टूडेंट्स अपने आईडी से लॉगिन लेके उन टेस्टों को दे सकता है। जैसे ही वो टेस्ट देगा टॉप के 3 स्टूडेंट्स को डेली पॉइंट मिलते रहेंगे, और वीकली बेसिस पे जिससे सबसे ज़्यादा पॉइंट इकट्ठा होंगे उनको पॉइंटों को कैश में स्टूडेंट्स अपने अकाउंट में डलवा सकता है। मींस वो पेमेंट उनको पॉइंटों की जो पेमेंट बनी होगी, मींस 1000, 10000, 15000 जो भी पॉइंटों की पेमेंट रखी जाएगी वो सब कुछ आपको अपडेट के रूप में यहाँ पे मिल जाएगा, और वो स्टूडेंट्स को भी एक पेमेंट
कमाने का, इनकम कमाने का मौका मिलेगा, साथ के साथ में उसकी जीके की भी तैयारी हो जाएगी, जीके कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी हो जाएगी। और मैंने ई बुक के अंदर काफ़ी सारे जीके कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस अपडेट किए हैं, जिसमें 5000 इंग्लिश में और 5000 हिंदी में, वो भी आपको लाइव मिल जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी आपकी फीडबैक है तो ज़रूर हमें फीडबैक दें। थैंक यू। जय हिंद, जय ईमैक्स।